ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो एवरीवन, तो साडा अज दा क्वेश्चन है, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू -3। सानू क्या गया कि सानू एक एक्सप्रेशन दिती गई, एक्सप्रेशन साडी है 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। तो सानू कहा गया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करो अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू -3 है। सारे नाल पहला आप अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2 ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। हुण आपां वो वैल्यूज पुट करते हैं जो आपां नूं गिवन है। इत्थे लिखांगे पुट ए इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इक्वल्स टू -3। तो अपनी एक्सप्रेशन की बन गई इक्वल्स टू 2, ए की जगह आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3 माइनस ए की जगह आ गया 5 एंड बी की जगह आ गया -3। तो हम सारे नालों पहले देखो स्क्वेयर का मतलब होंगे, अगर मान लो कोई एक्स कोई नंबर है उसका आप स्क्वेयर फाइंड करना है, तो इसका मतलब है एक्स आपस च दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हुण आपां अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, तो अपने को आ गया 2 ब्रैकेट के 5 का स्क्वेयर, इस इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5 जो कि होंगे 25। हुण देखो एक होर चीज़ जो कि अगर आपां दो पॉजिटिव नंबर्स नूं आपस च मल्टीप्लाई कराइए तो उसका जो रिजल्ट होंगे होंगे पॉजिटिव। ਉਵੇਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ +5, ਦੂਸਰਾ ਹੈ -3, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, 5 ਇੰਟੂ 3 ਇਜ 15 +3। हुण इत्थे देखो इत्थे -5 मल्टीप्लाई हो रहा -3 दे नाल, दोनों नंबर नैगेटिव है तो अपना रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, 5 इंटू 3 इज 15। इत्थे आ गया 2, 25 -15 हो गया 10 +3 +15 हो गया 18। तो अपने को आ गया 20 +18 जो कि हो गया 38, ते अपना फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।